हरियाणा में तीसरी लगातार जीत, ये मोदी जी की गारंटी की जीत है। इस चुनाव ने सिद्ध कर दिया कि देश के लोग अगर किसी की बात पर विश्वास करते हैं, नरेंद्र मोदी जी की बात पर विश्वास करते हैं। अमित शाह साहब का कुशल संगठन, उनकी रणनीति, मोदी जी का जनता के अंदर विश्वास और बढ़ता हुआ हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के अंदर हरियाणा भी सहयोगी बने, इस उम्मीद के साथ लोगों ने तीसरी बार जनादेश दिया है। कांग्रेस ने कई नैरेटिव फैलाने की कोशिश की। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी राजस्थान के गोविंद जी डोटासरा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने कई कसीदे कढ़े और बैठे बैठे उन्होंने ऐलान तक कर दिया कि हरियाणा में बड़े बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनेगी। शायद जमीनी धरातल की बात उनको अच्छी नहीं लगी या उनके पास पहुंची नहीं, और सिर्फ 5 सीटें जीतने के बाद पार्लियामेंट में जो अहंकार और दम आया था हरियाणा के अंदर, वो साधारण कार्यकर्ताओं ने तोड़ दिया और लगातार तीसरी जीत, हरियाणा की जीत, और जम्मू और कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के मतदान का प्रतिशत का बढ़ना सिद्ध कर रहा है कि सिर्फ देश में एक ही नेता है नरेंद्र मोदी जिनकी अगुवाई के अंदर देश आगे बढ़ रहा है।